पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के पहले हीरो थे बिल्कुल फर्स्ट। ये हाँ ये बात मुझे भी याद आई। हाँ अच्छी बात, अच्छी बात। पता है वो सब सेट है ना, जब आपका प्रोग्राम आता था ना तो उस वक्त इंडियन ड्रामा का ट्रेंड था। अच्छा घर वाले इंडियन ड्रामा देख रहे हैं ना, हमारी हट रही है। हम क्या देखते थे, हम सब सेटे देखते थे। वाह वाह। अच्छा हुआ उस वक्त यूं था अच्छा कि एक फेवर में गई थी आप लोगों की बात कि इंडियन चैनल बंद हो गए थे थोड़े दिनों के लिए, बंद हुए थे है ना, थोड़े दिन के लिए बंद हुए थे और ये थोड़े दिनों में हमेशा के लिए हिट हो गए। वो इतना मुझे याद है हम लोग छठी एपिसोड करने के लिए ना वहां गए शुक्रान के, जब तक अभी हमारे ट्रेलर्स और टीजर्स चल रहे थे बेसिकली इंडस्ट्रीजन पे हमारा शो आता था, तो उस जमाने में हम जिस जगह गए तो बगैर बूम माइक के हम वहां पहुंच गए शुक्रान, बगैर बूम माइक के पहुंच गए और बूम रॉड के, बूम माइक तो था, माइक था रॉड नहीं था। तो अब हम सामने देखते थे शूट चल रही थी, बाबर अली असलम शेख ये बड़े बड़े स्टार जो थे, दूसरा नाम आपने बहुत बड़ा लिया। और इसके अलावा मोनालिसा, अब पहले उनका नाम मोनालिसा था, सारा लॉरेल अब हो गया, बड़ा सड़ती भी है इस बात पे जब मैं उनको बोलता हूँ। तो ये सब होते थे बाकायदा, वो एक्टर हमें खड़े होकर बताते थे, असलम शेख एक बड़े मशहूर अदाकार है कि आपकी डायलॉग डिलीवरी गलत है बेसिकली, बता रहा हूँ मैं आपको, कहता है बेटा आप इतना तेज बोल रहे हैं समझेगा कौन, ये और सच्ची बात है, और वही पहचान बन गया तेज बोलना। यही तो पहचान बन गया इनकी। नहीं मैंने ये हमेशा बोला कि मैं रिपीट के दौर की इजाद हूँ, मेरा शो एक दफा चलता था फिर दूसरी दफा चलता था फिर तीसरी दफा चलता था चौथी दफा में लोगों को समझ में आता। ये व्हाट्सएप वालों को जो आइडिया आया टेस्ट मैसेज करने का, ये इधर ही है जैसे अस्फर में बात कर रहा हूँ ना, अस्फर में जब बात करते हैं बिलीव मी नॉट, अगर वो वाला जो अब दो अब टू वाला भी आ गया ना, टू वाला भी आ गया आपका कोई वन पे भी नहीं सुन सकता, वन पे भी नहीं सुन सकता। जीरो पे भी नहीं। लेकिन आप ये देखिए अल्लाह ने इसी पे इनको कामयाबी दी, जैसे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कहते हैं कि लोग जब वो फिल्म में आए तो उन्होंने कहा यार कद बहुत लंबा, इतने लंबे कद के हीरो कहाँ था यार, आवाज ऐसी थोड़ी होती यार, ये बाल कानों तक, फिर वही अल्लाह ताला ने उनका यही स्टाइल बना दिया, वही लंबे लंबे बाल रखने लगे, वही आवाज निकालने लगे, वही हाइट के लोग कह रहे ऐसे हीरो चाहिए, कर्म ये हुआ, कर्म ये हुआ, ये चीज इनकी क्वालिटी बन गई। मनी भाई क्या चीज हिट होगी, क्या चीज हिट होगी, आपने कभी मारे में किसी को तेज तेज बोला हो और वो उसकी समझ में ना आया और आपने ताड़े यार? या वैसे मैं बहुत तेज तेज बोला और कभी कभी टेंशन में आके, मुझे याद है जब पहली बार मैंने लाइव किया था तो मेरे हाथ पांव फूले हुए थे, मुझे याद है वहां पे इंडस विजन की कोई सालगिरह थी और बड़े बड़े स्टार उस वक्त शफी मोहम्मद शाह और वो बैठे हुए थे दलहुस हुसैन ले और पहली दफा आके बिठा दिया, ये वाँ वाँ इतना वाँ। बुरा और वो तो ऐसा टिका टिका के बोलते थे, टिका 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 और मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, मुझे नहीं होता कि एक्शन से पहले हाँ, आपके हाँ। और बोलने से ज्यादा तलत साहब तो खुजाते थे बेसिकली, खुजाते भी चमाड़ भी मारते थे बातों से, ये बेटा कि क्या कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो यार, वो मेरे वाले साहब को जानते थे, हाँ। वो कहते यार ये बच्चा तो सही नहीं हाँ। कर रहा हाँ। लेकिन ये कि वो फर्स्ट टाइम जो था कि मुझे लगा वो चल गया और अभी तक चल रहा है, अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि मानी भाई आपको बुलाने की वजह ये है फील्ड के ठरकियों का तो बताया यार, ये दो ठरकी नहीं है, यही दो नहीं है, अच्छा बरकत का मुझे पता नहीं, उसमें का तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ शरीफ आदमी, बरकत का अभी तक पता नहीं चल रहा यार। देखिए बात ये कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। नहीं नहीं शादीशुदा, आप शादीशुदा नहीं है, मैं आप इनकी बात कर रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं, बरकत भाई के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की, अच्छा और तय करके अलमारी में रख दी। हाँ। नहीं मुझे कभी किसी ने, मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो, मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है ये बंदा हुआ जो किसी की आखिरत भी खराब करे। अच्छा मरियम भाई ये इश्क के रिश्ते इतने ये दोनों इतने टैलेंटेड है, मैंने पहली दफा इनको बगैर रिएक्शन के पैसे लेते हुए देखा एक शो में, नवा निजाज के शो में आप लोग, उसमें ना आप बात करते थे, वो हमारा एक इम्तिहान था, ये पहली दफा नहीं, वो हमारी सरकारी नौकरी थी सर। मानी भाई बात ये कि कराची वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमें लाहौर जाके मिली, बड़ी बात है। अच्छा यार मानते हैं मानी भाई कि ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है, ये बात है ऐसा मानते हैं, हमें तो मिल गई, आपको पता जान हम ना उनकी छोड़ लेना वो हमारी छोड़ लेना। अच्छा ये आप इस बात को मानते हैं मानी भाई कि इश्क के रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि रात को नंबर बिजी जाने से ही टूट जाते हैं? है, 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 है? नहीं, हाँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा मानी कितने अच्छे रिश्ते होते हैं? अच्छा ये बताइए एक सवाल है मानी, मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर कोई अगला सोचता है तो क्या उसके साथ कॉपरेट करते हैं? या कहते नहीं तू सोच रहे, मैं बाद में सोच लूंगा, आपने कहा नहीं तुम्हारे साथ दो तीन और सोच रहे, जब फारिग हो जाओ दो तीन से फिर मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे